जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से वंदे मातरम गाने और ना गाने को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन अब बीजेपी के लोग खुद ही इस बहस में फंसते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को शेयर कर लोग बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार राष्ट्रीय भक्ति पर एक टीवी डिबेट शो में बहस कर रहे थे, लेकिन जब शो में ही मौजूद एक मौलाना ने उनसे वंदे मातरम गाने को कहा तो वो अपनी फजीहत करवा बैठे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम। बीजेपी नेता मोबाइल देखकर भी सही ढंग से वंदे मातरम नहीं गा पाए। इस शो के वीडियो ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में इस बात पर बहस छेड़ दी कि जो बीजेपी नेता खुद राष्ट्रगीत नहीं गा पाते वो दूसरों से जबरन गाने को कहते हैं और ऐसा ना करने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह तक दे डालते हैं। इस मुद्दे पर एनडीटीवी पर एक डिबेट शो रखा गया था। इस शो में तमाम मेहमानों के अलावा संत विचारक राकेश सिन्हा और मुस्लिम थिएटर कलाकार आमिर रजा हुसैन भी मौजूद थे। डिबेट के बीच में शो की एंकर ने संघ के राकेश सिन्हा से कहा कि आप वंदे मातरम गा सकते हैं। इस पर राकेश सिन्हा गोलमोल जवाब देने लगे। एंकर ने दोबारा कहा कि आपको आता है तो गाकर दिखाइए। फिर से राकेश सिन्हा पछते दिखे और इधर उधर की बात करने लगे। ऐसा करता देख आमिर रजा हुसैन हंसे तो एंकर ने उनसे भी गाने को कहा। आमिर ने तुरंत वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। However, Rakesh ji, would, since everyone seems to be into singing Vande Mataram these days, would you like to take a shot or should I just let it be? No, Nidhi, problem is that. I can. No, you can. No, yes. No, Nidhi, can problem you? Is that. Look, the patriotism is being debated in such a creating a binary. And binary is created everything by is a binary left liberals right. Are creating binary. Anything coming a positive thing, you create that this is a fascism, Nazism. Mr. Dave is no more in the debate. But the way he condemned Tavleen Singh, being from judiciary, Tavleen Singh has not attacked, but he condemned. That is not fascism. But if Tavleen Singh is supporting Sikhs, she also blinded. Said this is silly debate. Would but she also said that. Would you like to sing it? This is not fascism. Would you like to sing Vande Mataram? Why not? Guy. Okay, अब देखिए अब देर जो आप ये कहीं कहीं हम सब खड़े हो जाते गाते हैं क्यों नहीं? Would you like to sing it? Because all of us are being asked to sing it. आपको मैं बता रहा हूँ कि वंदे मातरम एक ऐसा सॉन्ग है कि जिसको बंगाली और संस्कृत नहीं भी आती है और जिसको याद नहीं है वो पैरा अपने आप आते जाता है। आपको एक्सपीरियंस है, मिस्टर राजा कैन से दैट। I can because I used to sing it at school. I remember the whole thing. Sing a bit for us. I won't sing, I'll recite, because if okay, I sing, yeah. That'll be the end of the debate. recite for us a bit. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम सुब्रज्योत्सना पुलकित यामिनी पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। Wonderful, thank you. इन मामले को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी का यह दाव उल्टा ही पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम।